मोहम्मद आसिम। क्या कहेंगे, ये जो है बनारस हॉट सीट है, मोदी जी दो बार सांसद बन चुके हैं, तीसरी बार के लिए कह रहे हैं जिताने के लिए, क्या लगता है? जाएंगे तीसरी बार भी, बन जाएंगे वो। क्या कारण है, क्या बनारस में क्या बदलाव देखा? हम सब बढ़िया है, मतलब जो है लाइन है, पानी, ये सब सुविधा अच्छा हो गया अब पहले से, समझियो, इसीलिए जो है आपकी बारी भी जीतेंगे वो। अच्छा, जैसे विपक्ष संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, 10 साल पहले का बनारस और 10 साल बाद का बनारस जो है, आपकी नज़र में कितना बदला? अच्छा है, बहुत अच्छा बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया, इतनी तारीफ करो कम है, बहुत ज़्यादा बन गया। हम लोग जाते हर तरफ गाड़ी से जाते देखते हैं ना, घाट इतना अच्छा बन गया है, बीएचयू एरिया में चले जाओ वो अच्छा बन गया, जहाँ जहाँ मेन रोड है अच्छी रोड बनी हुई है, हाँ बहुत अच्छी है। अब गाड़ी चलाओ तो लोग गिर जाते रहे, चोट खा लेते, हम कुछ चोट खा चुके हैं गाड़ी लेके, घुटना टूट गया था, तो आप तो रोड ऐसी है कि लड़के को लेकर बैठाओ एकदम सुकून से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह बढ़िया रोड बनी। हम लोग जाते आते घूमने फिरने आते, बेचू जाते हैं, मंदिर में भी चले जाते हैं लड़कों के लेके घूमने फिरने के लिए, मिला मंदिर चले जाते हैं, उसे कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा है सब। बनारस तो 2014 के बाद आप देख नहीं है, रोड पर चलने का जगह नहीं है, काशी चाट, दीना चाट, ये सब देख लीजिए, पब्लिक रोड पर खड़े होके खा रहे हैं। ये बनारस की बदलाव है मोदी जी के बाद। आज लोग 4 कमरा रहने के लिए कर रहे हैं और बाकी कमरा होटल बना दे रहे हैं, इतने पर्यटक आ रहे हैं, आमदनी बढ़ी, बेरोजगारी खत्म हुई, टोटो वाला कमा रहा है, ठेला वाला कमा रहा है, आइसक्रीम वाला कमा रहा है, बेरोजगार कौन है? अखिलेश यादव। बेरोजगार कौन है? राहुल गांधी। इन लोगों का जो ईडी ने मारा है तो उसको घोसेंगे, पसोटेंगे, नोचेंगे ना, इसीलिए तो वो आए हैं कि 10 साल बाद इनको हटाओ और पहले अपना खजाना भरो, हैं, यही लिए तो आए हैं। इनको बुरा लगता है प्रधानमंत्री आवास क्यों बांट रहा है, इनको बुरा लगता है प्रधानमंत्री राशन क्यों बांट रहा है, इनको बुरा लगता है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोख में रहने वाले बच्चे तक को मिल रहा है 6,000 रुपया, तो इनको बुरा लगता है। ये आएंगे तो बंद करेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि हम आ चुके हैं बनारस, बनारस जो कि एक हॉट सीट है और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि बनारस को लेकर आम जनमानस में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं। ऐसे में बनारस जो है काफी ज्यादा हॉट सीट है, यहां पर विपक्षी गठबंधन द्वारा भी प्रत्याशी उतारा गया है और ऐसे में टोटल जो है 7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस जो है अगर आप कहेंगे कि चुनावी सीट पर होने वाला है। ऐसे में आम जनता के बीच हम आए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये पूरा एक बड़ा सा चौक चौराहा है जहाँ पर हम खड़े हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ भी है, तो आम जनता से करेंगे बात और जानेंगे कि क्या कुछ है और जो है उनकी राय, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जीत की हैट्रिक बनारस की सीट से जो है कर पाएंगे या फिर आम जनता के दिल में है कुछ और। आइए उनसे बात करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं उनकी बात। आपका नाम? साजिद नामे। क्या लगता है, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दो बार से सांसद है, तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगेगी, अब विपक्ष का जो उम्मीदवार है अजय राय उनके लिए कुछ मौका है? नहीं, वो तो मोदी के थे। क्या कारण? तो दबाना तो दिखाई दे रहा है कि मोदी की सरकार जो है बनेगी। अच्छा, कुछ काम वगैरह जो है सांसद है यहाँ? तो बहुत अच्छा काम है यहाँ, कहाँ अच्छा विकास हो रहा है, हर जगह काम, रोड बन रही है, खाली मंदा है, दिक्कत ये सब किया हो, इतना तो होते ही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमेशा मंदा ही से रहा। अब लोग परेशान बने कि बहुत ज़्यादा मंदा है, पैसा की दिक्कत, महंगाई भी थोड़ा है, इसे आगे कम हो जाइए, नीचा चल होता ही कि भाई कभी महंगाई बढ़ती है कभी घटती है, तो लगे ही है। संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, 10 साल पहले का बनारस और 10 साल बाद का बनारस जो है आपकी नज़र में कितना बदला? अच्छा है, बहुत अच्छा बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया, इतनी तारीफ करो कम है, बहुत ज़्यादा बन गया। हम लोग जाते हर तरफ गाड़ी से जाते देखते हैं ना, घाट इतना अच्छा बन गया है, बीएचयू एरिया में चले जाओ वो अच्छा बन गया, जहाँ जहाँ मेन रोड है अच्छी रोड बनी हुई है, हाँ बहुत अच्छी है। अब गाड़ी चलाओ तो लोग गिर जाते रहे, चोट खा लेते, हम कुछ चोट खा चुके हैं गाड़ी लेके, घुटना टूट गया था, तो आप तो रोड ऐसी है कि लड़के को लेकर बैठाओ एकदम सुकून से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह बढ़िया रोड बनी। हम लोग जाते आते घूमने फिरने आते, बेचू जाते हैं, मंदिर में भी चले जाते हैं लड़कों के लेके घूमने फिरने के लिए,
मिला मंडी चले जाते हैं, उसे को कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा है सब। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। क्या कहेंगे, ये जो है बनारस हॉट सीट है, मोदी जी दो बार सांसद बन चुके हैं, तीसरी बार के लिए कह रहे हैं जिताने के लिए, क्या लगता है? जाएंगे तीसरी बार भी, बन जाएंगे वो। क्या कारण है, क्या बनारस में क्या बदलाव देखा? सब बढ़िया है, मतलब जो है लाइन है, पानी ये सब सुविधा अच्छा हो गया पहले से, समझियो, इसीलिए जो है आपकी बारी भी जीतेंगे वो। अच्छा, जैसे विपक्ष के उम्मीदवार हैं अजय राय जी, उनपे कुछ कहेंगे? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, 10 साल पहले का जो बनारस आपने देखा होगा, 10 साल बाद जो आप बनारस देख रहे हैं, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी दुविधा जो 10 साल पहले थी और जो अभी जैसे इसका समाधान आपको लगता है कि मोदी सरकार में निकला? हाँ, मोदी सरकार जिसे जब ये बन गया गुदलिया चौराहे पर, बहुत सी चीज़ बन गया, रोड बन गया, और फोर व्हीलर रोड बन रहा है, वो सब बन रहा, तरक्की हो रही है, और कोई बात नहीं बस। हाँ, आपका नाम? कल्लू सोनकर है। लगता है मोदी जी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या विपक्ष का कोई उम्मीदवार? अरे विपक्ष में है कौन, 42 लोग हैं, 42 लोग में पहले अपने में पता कर ले कि ये लोग प्रधानमंत्री बनेगा कौन है, एक एक साल के ये लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, इंदिरा जी के जमाने में बांग्लादेश बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ गया है, कश्मीर बढ़ गया, आज हमारे कश्मीर में रहने वाले भाई आज वो आज़ादी की चैन ले रहे हैं, पत्थर बंद, अनाज चालू, आवास मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, हैं, अब क्या चाहिए? बनारस कितना बदला है 10 सालों? बनारस तो 2014 के बाद आप देख रही हैं, रोड पर चलने का जगह नहीं है, काशी चाट, दीना चाट, ये सब देख लीजिए, पब्लिक रोड पे खड़े होके खा रहे हैं, ये बनारस की बदलाव है मोदी जी के बाद। आज लोग 4 कमरा रहने के लिए कर रहे हैं और बाकी कमरा होटल बना दे रहे हैं, इतने पर्यटक आ रहे हैं, आमदनी बढ़ी, बेरोजगारी खत्म हुई, टोटो वाला कमा रहा है, ठेला वाला कमा रहा है, आइसक्रीम वाला कमा रहा है, बेरोजगार कौन है? अखिलेश यादव। बेरोजगार कौन है? राहुल गांधी। इन लोगों का जो ईडी ने मारा है तो उसको घोसेंगे, पसोटेंगे, नोचेंगे ना, इसीलिए तो वो आए हैं कि 10 साल बाद इनको हटाओ और पहले अपना खजाना भरो, हैं, यही लिए तो आए हैं। इनको बुरा लगता है प्रधानमंत्री आवास क्यों बांट रहा है, इनको बुरा लगता है प्रधानमंत्री राशन क्यों बांट रहा है, इनको बुरा लगता है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोख में रहने वाले बच्चे तक को मिल रहा है 6,000 रुपया, तो इनको बुरा लगता है। ये आएंगे तो बंद करेंगे, हम उनको लाएंगे। नहीं नहीं, बस जल्दी हो मैडम, प्लीज बात बताइए। बनारस की हम थोड़ा बात कर लेते हैं, और भी उम्मीदवार हैं, बीएसपी के उम्मीदवार उतारा है, अजय राय जी भी है, कुछ कहेंगे? अजय राय जी जो हैं ये भाजपा ही से जाने जाते हैं, ये भाजपा ही से जाने जाते हैं, आज ये भटक गए हैं, यहाँ भटकने के बाद भी ये आएंगे, भाग के आएंगे, ये लोग इधर उधर भागने वाले मछली, जब पानी बढ़ जाता है तो कभी इस नाव इस पोखरे में, कभी इस पोखरे में उछल उछल के कूदते रहते हैं, हैं? अच्छा, आप क्या कहेंगे, बनारस कितना बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बनारस बहुत एक नंबर बदला है, विकास जी बढ़िया किया, सब अखिलेश हुआ चाहे अजय राय हुआ, अपने हिसाब से लड़ा रहे, बढ़िया है, सांसद के लिए भी बढ़िया है, प्रोग्राम का मीटिंग अच्छा, मैं क्या की लड़ाई दोनों है जबरजंग है। अखिलेश लगता है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे? मोदी ही जीतेंगे। क्यों ऐसे, मोदी ही क्यों चाहिए और दूसरा कोई क्यों नहीं चाहिए, क्यों दूसरा विकल्प? करने वाला आदमी विकास भी अच्छा कर रहा है, विकास ही बढ़िया कर रहा है, हाईवे बढ़िया बनाया, ये सब पहले अजय राय हुआ चाहे कांग्रेस हुआ चाहे सपा हुआ, ये लोग पहले विकास अपना बढ़िया बनाते हैं तो वो भी काशी में जीत जाते हैं, थोड़ा भी गड़बड़ी किए हैं उनको भी सुधार करना है। में तो अब वो बनने जा रहा है, काशी की जनता ऊपर से पर्यटक नीचे से तो चली रहे हैं, अब झूले से भी आएंगे दर्शन करने बाबा का, तो ये तो विकास है ना, भारत के पैसा नहीं। शिंजो ओबे जी जब जिंदा थे, रुद्रा बनवा दिए प्रधानमंत्री जी उनके पैसे से, कोई है ऐसा करने वाला कि जापान के पैसे से रुद्रा बन गया अपने भारत में, कोई है लाने वाला? उनसे सब इस समय घबराए हुए हैं,
400 पार, वो लोग सोच रहे कि ये 400 पार का नारा क्या है, ऊपर चले जाएंगे, वो खुदे नहीं समझ रहे हैं, वही में उन लोग भौतियाए हैं। सब पूरे मिल जाएंगे तब भी नहीं पाएंगे उनको, पूरे जो लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस बसपा कम्युनिस्ट पार्टी जो भी है, ये से भी पूरे मिल जाएंगे तो नहीं पाएंगे। आज आप देख लीजिए 2014 के बाद, 2014 के बाद रेलवे 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 की सुधार देख लीजिए, अब रेलवे दुर्घटना नहीं होती है, आए दिन रेलवे की दुर्घटना होती थी, लोग जाम में फंसे रहते थे रेलवे स्टेशन पे, अब अंडर पोल बन रहा है। हमारे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे चंदौली के इतना बढ़िया विकास किए हैं, जाकर देख लीजिए पूरी चंदौली आज विकास के रास्ते पर चल रही, जहाँ लोग 20-25 किलोमीटर से जाते थे आज 5 किलोमीटर से लोग होके जाते हैं, तो ये विकास है। अब विकास देख के ये लोग घबराए हुए हैं, अगर 2014 के पहले ये लोग कर दिए होते तो आज जो है मोदी जी को ज़रूरत नहीं रहती, मगर इन लोगों ने दबा दबा के अपना झोली भरा। आपका नाम? एपी आपका नाम? सचिन चौरसिया। अच्छा, बनारस जो है हॉट सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है जीत की हैट्रिक लगे? बिल्कुल 100% एकदम। 400 पार का जो आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है? 400 पार नहीं, 300 प्लस तो है ये। अच्छा, बनारस कितना बदला है पहले के बनारस में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बार से जो है यहाँ से सांसद है, ऐसे में कितना बनारस बदला है? बहुत कुछ बदल गया बनारस में, बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि मंदिर बना, टूरिस्ट प्लेस, मतलब टूरिस्टों का आना बहुत अच्छा हो गया, वर्ल्ड में हमारा मतलब बनारस का हेरिटेज वर्ल्ड सिटी हो गया एकदम। रोजगार वगैरह जो है ये सारी चीजें डेवलप होने पर रोजगार अच्छा हुआ है पहले से। अच्छा, विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष ने भी जो है एक साझा उम्मीदवार उतारा है, अजय राय। नहीं है कोई चेहरा ही नहीं है अजय राय। अजय राय जो यहाँ से प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे? वो फाइट नहीं कर रहे हैं। बीएसपी कोई नहीं है, वन मैन शो। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लेकर जो है लोगों में काफी ज्यादा आशा है, इस बार भी लग रहा है तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे काम जिससे काफी ज्यादा आप प्रभावित? कॉरिडोर बना है और रोडे बनी, बहुत कुछ बना हुआ है, और हम लोगों का यहाँ पे काम अच्छा हुआ है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। तो बनारस में ऐसी कोई समस्या रही है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद जो है इसका समाधान हुआ है, जो पहले नहीं हुआ? 24 लाइटें हम लोग को 24 घंटा मिलती है बिजली, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री, जब से सांसद बने हमारे, 24 घंटा लाइट मिलती है हमको।